एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां मैं लोगों को बार बार जवाब नहीं दे सकता। सब मुझसे पूछते हैं कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। सुनेंगे कब तक सुनेंगे? कभी तो भाभी, आपने किसी का दरवाजा बंद क्यों किया? भाई बंद किया था? नहीं बंद नहीं था, बंद था तो पापा पता नहीं, इत्तेफाक होगा ना कि बंद हो गया है। अच्छा, मैंने कल रात सब कुछ सुन लिया था। क्या क्या, क्या सुना था? वही कि सफर भाई आपसे कोई वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि वो वीडियो भाई को भेजने वाला है, फिर आप तेजी से अपने कमरे में चली गई भागकर। ऐसी कौन सी वीडियो है उनके पास आपकी? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, तुम बहुत दूर खड़ी हुई होगी ना तो गलत फहमी हुई होगी, तुमने सही नहीं सुना होगा। हबीब, मैंने गलत सुना होगा लेकिन मुझे नज़र सब आता है। क्या आप जफर भाई के कोचिंग सेंटर? मैंने कहा है ना मेरे मामले में टांग नहीं अड़ाया करो। हाँ, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो अच्छा अच्छा नहीं होगा, अपने काम से काम रखा करो। बदतमीज। लेकिन सर, सर ये उस लड़की की हमने कॉल हिस्ट्री निकलवा ली, इसमें सर इस नंबर से उसे बार बार कॉल की गई है और जिस रात वो गायब हुई है इस नंबर से उसे कॉल की गई। नंबर इसी से शादी होने वाली? नहीं नहीं सर, किसी और का। किसी और? सर सिम जो है वो बलूचिस्तान से इशू की गई है कोई डेढ़ एक महीना पहले। ठीक है, जिस दुकान से सिम खरीदी गई है उसके मालिक को बुलाओ और उस दिन की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवाओ फौरन। उस मालिक को लेके आ जल्दी जाके और उसको फॉरन ऑफिस ले। ठीक है, ओके।